नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 96th एपिसोड में आपका स्वागत है। कार्मिक मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों के सचिवों को पत्र लिखकर अयोग्य कर्मचारियों की पहचान करने का निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि सभी सचिव 50 से 55 साल की उम्र और 30 साल सेवा दे चुके कर्मचारियों के कामकाज का आकलन करें। आकलन करने के बाद ये बताएं कि इनमें से कितने ऐसे हैं जिनमें कार्य क्षमता नहीं है। सीधा सा अर्थ है कि सरकार बड़े पैमाने पे कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त करने जा रही है। इसी की भूमिका तैयार की जा रही है। दिलचस्प तथ्य यह है कि सरकार के इस फैसले पर सोशल मीडिया में समर्थन की बाढ़ सी आई हुई है। खासकर युवाओं को लगता है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों की नौकरी जाना उनके लिए नया अवसर पैदा करेगी। इसी उम्मीद में युवा वर्ग सरकार के इस फैसले का बढ़ चढ़कर समर्थन कर रहे हैं। सवाल है कि क्या वाकई ही ऐसा ही होगा? सरकार जितनी संख्या में कर्मचारियों को जबरन रिटायर करेगी उतनी ही संख्या में नए लोगों को सरकारी सेवा में मौका देगी। तथ्य और सरकार की कार्यशैली इसकी पुष्टि नहीं करते। गणित सीधा सा है। सरकार कर्मचारियों की बलि चढ़ाकर अर्थव्यवस्था का वित्तीय बोझ कम करना चाहती है। जब लक्ष्य वित्तीय बोझ कम करना है तब नई नौकरियों की बाढ़ की संभावना का सवाल कहां उठता है। वैसे भी बीते दो दशकों में जितनी संख्या में कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उसका 30% हिस्सा भी नहीं भरा जा रहा है। बीते 6 सालों में नई भर्तियों के तुलनात्मक रूप से 80% तक की कमी आई है। सरकार ने नई भर्तियों के बदले सरकारी विभागों के कई पद ही खत्म कर दिए हैं। तो क्या ये एक वर्ग को कष्ट देकर दूसरे वर्ग को खुश करने की सियासत है? ऐसी सियासत जिसके अंत में दोनों ही पक्षों को कुछ नहीं मिलता। आप इसे अतिशयोक्ति मान सकते हैं मगर अपने देश में ऐसी राजनीति का दशकों से बोलबाला रहा है। सियासत अलग अलग वर्ग को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर अपना मतलब निकालती है, भावनाओं का दोहन कर वोटों की फसल काटती है, ठीक बॉलीवुड की फिल्मों की तरह। आपने बॉलीवुड की ऐसी कई फिल्में देखी होंगी जिसके कई दृश्यों पर दर्शक तालियां पीटते निहाल होते नजर आते। मसलन एक फिल्म में अभिनेता कादर खान करोड़पति होटल व्यवसायी है। उसकी बेटी रवीना टंडन को मामूली ढाबा चलाने वाले गोविंदा से इश्क हो जाता है। फिल्म में जब जब गोविंदा और कादर खान में कई बार तकरार होती है, पटकथा के अनुसार हर बार गरीब गोविंदा करोड़पति कादर खान पर भारी पड़ता है। गोविंदा में अपना अक्ष देख रहा दर्शक निहाल होकर तालियां बजाता है और फिल्म हिट हो जाती है। बॉलीवुड की तरह ही देश के सियासी दल ऐसी ही पटकथा लिखते हैं। मसलन 2017 में नोटबंदी के फैसले से अर्थव्यवस्था के पतन की शुरुआत हुई। इस फैसले का सबसे प्रतिकूल असर गरीबों और निम्न मध्य वर्ग पर पड़ा, जबकि यही वर्ग इस फैसले का प्रबल समर्थक था। इसी वर्ग के समर्थन के कारण नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को 3/4 बहुमत हासिल हो गया। गरीब और निम्न वर्ग मध्यम वर्ग नोटबंदी के फैसले का आंख मूंदकर इसलिए समर्थन कर रहा था कि इससे अमीर लोग उसकी तरह सड़क पर आ जाएंगे या अमीर वर्ग को भी उनकी तरह लाइन में लगकर पैसे निकालने पड़ेंगे। 50 से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों की छटनी मामले में भी सियासत ऐसा ही माहौल तैयार करना चाहती है। लोगों के मन में भरा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, ये निकम्मे और भ्रष्ट होते हैं। इसमें सच्चाई भी है मगर सवाल यह है कि यह व्यवस्था जिसे सरकारें चलाती हैं वह कर्मचारियों को निकम्मा और भ्रष्ट क्यों होने देती हैं?
सवाल यह भी है कि कर्मचारियों में कार्य क्षमता का आकलन किस आधार पर किया जाएगा, इन्हें अयोग्य साबित करने का पैमाना क्या होगा, क्या इन परिस्थितियों में योग्य कर्मचारियों की बलि चढ़ाने की भी संभावना नहीं बनेगी। फिर सवाल नई नौकरियों का अवसर बढ़ने से है। दरअसल ये विरोधाभासी है। सरकारी नौकरियों की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। इसके बीच वर्तमान सरकार ने अंधाधुंध निजीकरण की राह पकड़ ली है। रेलवे, एयरपोर्ट्स ही नहीं, तमाम पीएसयू धीरे धीरे नीलाम किए जा रहे हैं। सबसे अधिक नौकरियां देने वाले बैंक और रेलवे डूबने की कगार पर है। रेलवे ने अगले साल तक नौकरी देने में असमर्थता जता दी है। मंदी में डूबा बैंक क्षेत्र खुद सरकार से 4 लाख करोड़ की मदद मांग रहा है। ऐसे में जब सरकारी प्रतिष्ठान ही नहीं बचेंगे, तब नई नौकरियों का ख्वाब देखना हास्यपद नहीं तो और क्या है। मतलब सीधा सा है, सरकार की कोशिश युवाओं को उलझाए रखने की है। इस वर्ग को उलझाए रखने के लिए नए नए शगुफे छोड़े जा रहे हैं। समस्या यह है कि खुद युवा वर्ग भी सरकारी और सियासी मायाजाल में उलझा हुआ है। मसलन सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी CMEI की रिपोर्ट बताती है कि कोरोना काल में 12 करोड़ लोगों ने रोजगार गंवा दिए हैं। इनमें 2 करोड़ से अधिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। इसके अलावा जिन 40 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं, वो 30 वर्ष से कम आयु के युवा हैं। कोरोना काल में बतौर ट्रेनिंग और प्रोविजन पर रखे गए ज्यादातर युवाओं ने नौकरियां खो दी हैं। बीते 2 महीने में करीब 80 लाख लोगों ने मनरेगा मजदूरी हासिल करने के लिए अपना नामांकन कराया है। इनमें बड़ी संख्या में पेशेवर लोग शामिल हैं। संस्था के प्रबंध निदेशक महेश व्यास कहते हैं कि युवाओं को नई नौकरियों के लिए लंबा इंतजार करना होगा। इस साल ग्रेजुएट हुए युवाओं ने रोजगार खोया है। अगले साल इतनी ही संख्या में नए ग्रेजुएट छात्र रोजगार हासिल करने की भीड़ में शामिल होंगे। दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में फिलहाल 1-2 साल तक नई नौकरियां देने की ताकत नहीं है। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार की 50 से अधिक उम्र के कर्मचारियों की नौकरियां छीनने का जश्न मना रहे युवाओं को इन तथ्यों पर भी गौर करना होगा। उन्हें समझना होगा कि उन्हें नौकरियां किसी दूसरे की नौकरी छीनने से नहीं, बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ाने से मिलेंगे। नमस्कार।